दो दिनों के ऐतिहासिक दौरे पर रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। साझा प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं के सामने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस मानते हैं कि किसी देश के आंतरिक मसले में किसी तीसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में किन किन समझौतों को लेकर हस्ताक्षर हुए? सड़क मंत्रालय, ऊर्जा, ट्रेड समेत कई बड़े क्षेत्रों में समझौते। जमीन, आसमान, एनर्जी, डिफेंस समेत कई क्षेत्र शामिल। रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा रूस। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग। गगनयान परियोजना में मदद करेगा रूस। द्विपक्षीय व्यापार में 17% का इजाफा। भारत को 33 लाख टन तेल का निर्यात। बुधवार को रूस और भारत की दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ गया। दोनों देशों के बीच रक्षा से लेकर गगनयान तक कई बड़े समझौते हुए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के संबंध में 2019 से 2024 के लिए 5 वर्षीय रूपरेखा बनाए जाने की उम्मीद है। भारत इस समय ऊर्जा संबंधी अपनी जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करता है। R9 TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।